इंदौर से बड़ी खबर, रमेश मेंदुला को मंत्री नहीं बनाए जाने पर समर्थकों में नाराजगी देखी गई। सोशल मीडिया पर सड़कों पर उतरने और पार्टी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विष वाले बयान पर कटाक्ष किया, विष तो रमेश मेंदुला ने पिया है, आपने कहा शिवराज जी, ये लिखते हुए अब उनके समर्थक जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सड़कों पर उतरने और पार्टी छोड़ने की चेतावनी दे दी है रमेश मेंदुला के समर्थकों ने। रवि जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि रूठों को मनाए कैसे, लेकिन अभी से ही समर्थकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए बगावती। आज बिल्कुल देखिए, रमेश मेंदुला बीजेपी के एक ऐसे विधायक हैं जो मध्य प्रदेश में हर बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं, और ऐसे में लगातार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका उन्हें मंत्री बनाने को लेकर लंबे समय से एक चल रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। पिछले तीन बार के जितने भी मंत्रिमंडल विस्तार हुए हैं, उसके पहले की भी जब बीजेपी की सरकार रही है तब भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है, और अब जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और एक विद्रोह जो है उन्होंने पार्टी के खिलाफ छेड़ दिया है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि अगर रमेश मेंदुला कहें तो वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार है, और साथ में वो सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज का जो विष वाला बयान था उसका भी कटाक्ष किया है कि रमेश मेंदुला ने विष पिया है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा विष पिया है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो हैं अब वो समर्थकों द्वारा सामने आने लगी है, जो कि कहीं ना कहीं एक भीतरगाह जरूर साबित हो सकती है पार्टी के लिए। जी शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी भी बताए जाते हैं रमेश मेंदुला, और इंदौर से बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे बीजेपी के, जिनको मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है।